हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें सभी साथी, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों को शेयर कर दें और दोस्तों जिनको भी एडमिशन लेना है, हमारे जितने भी साथी जिनको भी एडमिशन लेना, बिल्कुल भी देर ना करें। ये नोट्स भी दोस्तों आप मंगवा सकते हैं, हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, ये दो पार्ट में नोट है हिंदी साहित्य के। आप आरपीएससी वाले हैं, फर्स्ट ग्रेड वाले, सेकंड ग्रेड वाले हैं, या फिर टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड वाले, हिंदी साहित्य के ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों। क्रमबद्ध टॉपिक भी हैं, क्रमबद्ध रचनाएं हैं और दोस्तों साथ ही इसमें ट्रिक भी बहुत सुंदर सुंदर ट्रिक हैं, ठीक है। तो ये नोट्स आप मंगवाने के लिए संपर्क करना है आपको, और जो भी हमारे पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हैं तो आप मास्टर कैडर वाला दोस्तों ये जो कोर्स है जिसमें आप के लिए 30 मॉडल पेपर हैं, ये 30 मॉडल पेपर मात्र 599 के हैं, आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, ठीक है। वीडियो को सभी लोग लाइक करें और दोस्तों टीजीटी पीजीटी वाले जो भी हमारे साथी हैं, है ना, जिनको भी एडमिशन लेना, मात्र 1500 रुपये में एडमिशन ले सकते हैं और निरंतर अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों। टीजीटी पीजीटी वाले साथी 21 जून से नया बैच शुरू हुआ है और अभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं, जो कुछ भी निकल गया है उसका रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, ठीक है। और डेली टेस्ट भी होता है दोस्तों, हर टॉपिक के बाद भी टेस्ट होता है कि जैसे एक कोई टॉपिक पढ़ाया है तो उस टॉपिक के बाद टेस्ट भी होता है कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है और कितने नंबर आपके उस टॉपिक में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपनी ये पढ़ाई चल रही है व्यवस्थित और मजेदार तरीके से। सो जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस में, बिल्कुल भी देर ना करें, आज ही डाउनलोड करें और दोस्तों मात्र 1500 रुपये में एडमिशन ले सकते हैं, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन। दोस्तों सभी को बताना है कि छल नामक संचारी भाव देव ने किस कृति में वर्णित किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड, आईएमपी क्वेश्चन। आपने ये तो पढ़ा था कि सर छल नामक 34वां संचारी भाव देव कवि ने माना है, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि छल नामक संचारी भाव देव कवि ने अपनी किस कृति में माना है। चयन कर दो सभी साथी और एक बार वीडियो को लाइक भी कर देना हमारे सभी मित्रगण। आपका उत्तर जा रहा है 49 नंबर के क्वेश्चन में, सभी बताएंगे। बहुत बढ़िया, श्वेता सैनी जी राइट आंसर बता रहे कि सर ये वर्णित किया है भाव विलास में। काय में वर्णित किया है? भाव विलास में वर्णित किया, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। केशव की प्रशस्ति परक रचना कौन सी है? 50 नंबर का क्वेश्चन है, 50 नंबर के क्वेश्चन में बताइए। आरती वर्मा जी, पायल जी, ममता जी, परमिंदर जी, केशव की प्रशस्ति परक रचना कौन सी है? कमला ठाकुर, ममता रानी जी, सुनैना वर्मा जी, केशव की प्रशस्ति परक रचना कौन सी है? बेड से देवचरित, रतन बाबनी, जहांगीर जस चंद्रिका, या फिर सभी, बताइए जल्दी से। चयन करिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। 50 नंबर का क्वेश्चन है और 50 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है कि सर इनकी प्रशस्ति परक रचनों की बात करेंगे तो बीरसेन देवचरित भी है, रतन बाबनी भी है, जहांगीर जस चंद्रिका भी है प्रशस्ति परक, और आपका उत्तर सभी यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। डी नंबर आपका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर। प्रेम चंद्रिका किसने लिखा, ये प्रेम चंद्रिका बताना है, प्रेम चंद्रिका के रचनाकार कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्रेम चंद्रिका। अभी तक आपने राम चंद्रिका पढ़ा था, राम चंद्रिका दोस्तों आपको पता है कि सर राम चंद्रिका केशवदास की कृति है, लेकिन आपने प्रेम चंद्रिका अगर पढ़ा है तो जवाब जल्दी से देंगे, प्रेम चंद्रिका के रचनाकार कौन है, कौन बता रहा है यहां पर सही आंसर? मोहित जी बताइए, अनिता राजपूत जी, चयन करिए पटवा, पार्वती कुमारी जी, ललिता मलिक जी, प्रेम चंद्रिका ये ग्रंथ किसने लिखा है? केशवदास ने, भूषण ने, मतिराम ने, या फिर देव ने? कुछ लोग ये बता रहे हैं और कुछ लोग मतिराम बता रहे हैं और कुछ लोग केशव बता रहे हैं, लेकिन आपका उत्तर है कि सर प्रेम चंद्रिका लिखा है किसने? देव कवि ने, देवदत्त इनका पूरा नाम था, इटावा में जन्म हुआ था, ठीक है। रीति सिद्ध का बधारा के कवि थे, ये नंबर आपका सही है। रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, रामचंद्रिका जो कि 1601 का ग्रंथ है,
इसे छंदों का अजायब घर कहा था रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, ठीक है ना, बिल्कुल। बताइए यहाँ पर विष्णु प्रिया जी बताए रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश हैं, 52 नंबर का क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक भी कर देना 52 नंबर वाले सभी साथी, कितने प्रकाश हैं रामचंद्रिका में, 52 का राइट आंसर बताना कमला ठाकुर जी, 52 में, और वीडियो को लाइक कर देना। कई बार मैंने आपको बताया कि सर ये जो रामचंद्रिका है 1601 रचना काल है इसका, और ये छंदों का अजायब घर कहा जाता है, इसके रचनाकार केशव दास है, तब आपका उत्तर है 39। 39 क्या है इसमें, 39 प्रकाश हैं, सी नंबर आपका सही है। रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता मिली है संवाद योजना में, उक्त कथन किसका है बताइए, रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता मिली है संवाद योजना में, उक्त कथन किसका है, उक्त कथन बताना है, जल्दी से बताइए, वीडियो को लाइक भी कर दे फटाफट से, चयन करिए जल्दी से, फटाफट से लाइक करना है, और ये कथन बताना है 53 नंबर के क्वेश्चन में। 53 नंबर का क्वेश्चन है कि रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता मिली है संवाद योजना में, ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर जिन्होंने भी लगाया राइट आंसर चला गया, बहुत बढ़िया। बिहारी सस्ती पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव है, सर्वाधिक प्रभाव किस ग्रंथ का है, 54 बिहारी सत्सई पर सर्वाधिक प्रभाव किस ग्रंथ का है, 54 नंबर के क्वेश्चन में, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों सभी साथी, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, बिहारी सत्सई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव है, किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव है, 54 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर जाता आर्या सप्तशती, आर्या सप्तशती यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है। बिहारी सत्सई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है, सर्वाधिक प्रभाव है आर्या सप्तशती, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। कौन सी रचना बिहारी सत्सई के पूर्व रचित है, कौन सी रचना बिहारी सत्सई के पूर्व रचित है, जल्दी से बताइए फटाफट से, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी कर देना दोस्तों, फटाफट से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके कमेंट आपको बताना है, जल्दी से बताना है। 55 नंबर का क्वेश्चन है, 55 नंबर के क्वेश्चन में चयन करिए, वीडियो को लाइक करिए, बिहारी सत्सई के पूर्व रचित है तो मतिराम सत्सई, ब्रंद सत्सई, गाथा सत्सई या फिर रतन हजारा, कौन सी है 55 नंबर में, 55 नंबर का राइट आंसर है कि सर इसके पूर्व गाथा सत्सई है ना, तो आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखो, राबरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये, पंक्ति किसकी है, सांबरे होगा वैसे, राबरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये, पंक्ति किसकी है 56 नंबर में, 56 नंबर के क्वेश्चन का आपको वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कि सभी साथी बताएंगे, घनानंद की पंक्ति है, आलम की पंक्ति है, बोधा की है या फिर ठाकुर की पंक्ति है, 56 में वीडियो को लाइक करिए जल्दी से, और आपका उत्तर है कि सर ये पंक्ति है घनानंद, रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि है घनानंद जी, ठीक है, वेरी गुड आंसर। वीडियो को लाइक किया अभी तक कि नहीं किया, सभी लोग लाइक जरूर कर दें दोस्तों, शेयर भी कर दें, यहां पर आया रीति मुक्त कभी नहीं है, तो रीति मुक्त कभी कौन सा नहीं है, टॉपिक वाइज अध्ययन चल रहा है, 57 नंबर का क्वेश्चन है, 57 में बताना है रीति मुक्त कभी कौन नहीं, आलम, पद्माकर, बोधा या फिर घनानंद, लगभग सभी को पता होगा, फटाफट से 57 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए रीति मुक्त कभी कौन नहीं है, रीति मुक्त कभी नहीं है ये बताना है, वीडियो को लाइक भी करिए जल्दी से, और आपको बताया पद्माकर नहीं है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर राइट आंसर, बहुत बढ़िया।
अगला क्वेश्चन बताते हैं, अगला है रसनिधि का वास्तविक नाम क्या। रसनिधि यानी कि 58 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएंगे दोस्तों। और वीडियो को जल्दी से बताना है, रसनिधि का वास्तविक नाम क्या था। रसनिधि का वास्तविक नाम और आपका उत्तर आ रहा है कि रसनिधि का जो वास्तविक नाम था वो था पृथ्वी से। पृथ्वी से है यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका राइट आंसर है, सी नंबर सही बताया आपने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आए हैं आप लोगों के। आपका उत्तर पृथ्वी से है। कनक चुरीसी कामनी काहे को कटिछीन, ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति बताना है। कनक चुरीसी कामनी काहे को कटिछीन, इसमें चयन करना है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, सभी लोग चयन करेंगे, शेयर कर दें। और यहां पर आपका उत्तर जा रहा है कि सर ये पंक्ति 59 नंबर का क्वेश्चन है, 59 में कनक चुरीसी कामनी चयन करिए। राइट आंसर क्या जा रहा है, कनक चुरीसी कामनी। और आपका उत्तर चला गया कि सर ये 59 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैंने आपको बताया कि छुरी अगर आपको लग जाए तो आलम बिगड़ जाएगा, बी नंबर सही है। अविदा उत्तम काव्य मध्य लक्षणालीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें कि अविदा उत्तम काव्य है तो ये तो आपको बताइए 60 नंबर में कि सर ये देव यानी कि आपका जो 60 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग जो आंसर बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं कि सर ये देव कवि की पंक्ति है। लोग है लागी कवित्त बनावत और मोहित तो मेरे कवित्त बनावत। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, वीडियो को लाइक जरूर कर देना हमारे जितने भी साथी हैं दोस्तों, और शेयर कर देना फटाफट से। और यहां पर लोग हैं लागी कवित्त बनावत, 61 नंबर के क्वेश्चन में पंक्ति घनानंद की हो जाएगी, सी नंबर है ना। लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो, खेल करी जानो ये पंक्ति पूछी गई। ये पंक्तियां बहुत ही पंक्तियां पूछी जाती है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया पंक्ति पूछी गई है। वीडियो को लाइक जरूर कर दे सभी साथी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, चयन करिए शेयर करिए। लोग हैं लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो, 62 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है कि सर ये ठाकुर की पंक्ति है, ए नंबर सही है। केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं किसने कहा है, केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं ये किसने कहा। किसने कहा है जल्दी से बताइए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए सभी साथी, शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। और यहां पर आपका उत्तर जा रहा है कि सर केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, कठिन काव्य के प्रेत, वेरी गुड। भिखारी दास का जन्म स्थान क्या है, भिखारी दास का जन्म स्थान बताना है और शेयर जरूर कर देना सभी सभी लोग दोस्तों। और जिनको भी एडमिशन लेना बिल्कुल भी नहीं चूकना है, सभी साथी एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। भिखारी दास की रचना आपसे पूछी गई है, यहां पर भिखारी दास का जन्म स्थान पूछा गया, रामपुर है, रामपुर है, कानपुर है,
प्रतापगढ़ है या फिर इलाहाबाद है। इलाहाबाद 64 नंबर का क्वेश्चन, 64 में सभी लोग आंसर बता रहे हैं कि सर यहां पर प्रतापगढ़ लगा दो, भिखारी दास का जन्म स्थान इलाहाबाद है क्या कि प्रतापगढ़ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सर प्रतापगढ़। ठीक है, डी नंबर बहुत बढ़िया। रस खान का जन्म स्थान भी बता दो, रस खान का जन्म स्थान कहां है? रस खान का जन्म स्थान बताइए, दिल्ली, मथुरा, अलीगढ़ या फिर झांसी? रस खान का जन्म स्थान बताना है। बहुत ही अच्छा, वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों एक बार। सुंदर प्रश्न आ गया 65 नंबर के क्वेश्चन में, और आपने बताया कि सर रस खान का जो जन्म स्थान हुआ है अलीगढ़ में हुआ क्या, बताएं। रस खान दिल्ली, कार्तिक जी दिल्ली बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। 65 नंबर का क्वेश्चन बताना है, मथुरा में हुआ क्या, और आपका उत्तर है कि सर रस खान का जन्म हुआ है दिल्ली, यानी ए नंबर आपका सही है, दिल्ली, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यहां पर आ जाओ। कवि गंग का जन्म स्थान है 66 में, कवि गंग का जन्म स्थान कौन सा है? कवि गंग एटा, मथुरा, झांसी या फिर इटावा? कवि गंग का जन्म स्थान 66 नंबर का क्वेश्चन है, और 66 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है कि सर इटावा लगा दो, बहुत बढ़िया। श्वेता जी डी नंबर, कविंद्र का वास्तविक नाम क्या है? कविंद्र, कविंद्र का उदयनाथ, वृंदावन, द्विजदेव या फिर हरिनाथ? कविंद्र का वास्तविक नाम क्या है? आपने सुना होगा ये नाम 67 नंबर में, वास्तविक नाम बताना है, और वास्तविक नाम पूछा है कविंद्र का, जल्दी से बताइए। पुराने वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएंगे आपको। ए नंबर उदयनाथ आपका सही, ये नंबर बिल्कुल सही। रस खान का वास्तविक नाम बताना, रस खान का वास्तविक नाम, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रस खान का वास्तविक नाम क्या 68 में? बिंदु जी बताइए, माया राम जी रस खान का वास्तविक नाम बता दो जल्दी से। अबुल हसन है, सैयद खान है, सैयद इब्राहिम है या फिर अलाउल मुल्क है? तो 68 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर जा रहा है कि सर इनका सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम है ना। आपका उत्तर चला गया कि सर ये जो डी नंबर है सैयद इब्राहिम पठान, बिल्कुल सही है। सर्वांग निरूपक प्रथम आचार्य कौन है? सर्वांग निरूपक प्रथम आचार्य कौन है? मीना जी बताएं, भूषण है, चिंतामणि देव है या फिर केशव दास है? 69 नंबर के क्वेश्चन में सभी को आंसर बताना है, सर्वांग निरूपक प्रथम आचार्य कौन है? प्रथम आचार्य सोनू जी कौन माने जाते हैं? प्रथम आचार्य, सर्वांग निरूपक प्रथम आचार्य, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। यहां पर 69 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर चला गया, ए केशव दास आपका सही है। ठीक है, सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है? केशव दास, प्रथम सर्वांग निरूपक पूछा गया, तो आपका उत्तर ए नंबर की ओर चला गया। रीति काल की प्रथम कृति कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है 70 में। शिल्पा सिंह जी कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना, और रीति काल की प्रथम कृति बताना है। आरती जी, ये तरंगणी है, मुगल स्रोत है, अलंकार चंद्रिका, कृष्ण चरित है। सत्तर नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, और सभी लोगों का आंसर चला गया कि सर रीति काल की अगर प्रथम रचना की बात करोगे तब आपका उत्तर चला जाएगा हित तरंगणी, और हित तरंगणी रचना किसकी है? कृपा राम की, ए नंबर सही। हिंदी में स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के रीतिकालीन प्रथम कवि कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के रीतिकालीन प्रथम कवि कौन है बताइए? रोहिणी जी, रेखा जी, आलम है, घनानंद है, घनानंद है, जुद्देव या प्रबोधा? जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है दोस्तों, आप 1500 में एडमिशन ले सकते हैं अभी भी। हमारे सभी साथी है ना, जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो नोट्स भी मंगवा सकते हैं, और जिनको ये 3000 प्रश्नों की दोस्तों टेस्ट सीरीज मंगवाना है वो टेस्ट सीरीज भी मंगवा सकते हैं 599 में। 3000 प्रश्न है, टॉपिक वाइज प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें उत्तर वाला सहित है दोस्तों। मास्टर कैडर वाले साथी हो या टीजीटी पीजीटी वाले कोई भी साथी इसको मंगवा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं,
और 71 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर चला गया कि सर वो है घनानंद यानी बी नंबर। बहुत बढ़िया। भारतेंदु ने किसके बारे में कहा कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू बारिये, किसके बारे में कहा था भारतेंदु जी ने? भारतेंदु जी ने बताना है दोस्तों। 72 नंबर के असली क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही बढ़िया, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कई बार पूछा जाता है। भारतेंदु ने किसके बारे में कहा कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू बारिये, और आपका उत्तर चला गया कि सर रसखान के बारे में कहा था। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। कागे के भागे बड़ो सजनी हरि हाथे सो ले गाओ माखन रोटी, ये पंक्ति किसकी है? कागे के भागे बड़े सजनी हरि हाथे से ले गाओ माखन रोटी, बताइए जल्दी पंक्ति किसकी है। माया राम जी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने साथियों तक। और 73 नंबर के क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 73 नंबर का क्वेश्चन, और उत्तर चला गया कि सर ये पंक्ति रसखान की है, काग के भाग बड़ो सजनी। ठीक है, प्रेम वाटिका ये किसने लिखा? प्रेम वाटिका ग्रंथ के रचनाकार कौन है? प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है बताइए? सोनी रॉय जी। दोस्तों लाइक नहीं रुकना चाहिए, जिन भी साथियों को दोस्तों नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के विस्तृत गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, चाहे मास्टर कैडर वाले हों, टीजीटी पीजीटी वाले हों, दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वाले जो भी हमारे साथी हैं। प्रेम वाटिका, तो आपने, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि सर प्रेम वाटिका का रस खाना है। प्रेम वाटिका का क्या खाना है? रस खाना है, रस खान। ये रचना भी प्रेम वाटिका रस खान की है, डी नंबर सही है। कौन सी रचना ग्वाल कवि की है? ग्वाल कवि की कौन सी है? 75 नंबर के क्वेश्चन में दो ही विकल्प में से सभी लोग बताएंगे। 75 नंबर में यमुना लहरी है क्या, भक्ति भावन है, या फिर यहां पर ग्वाल कवि की रचना पूछी गई है? ग्वाल, यहां पर बताना है रसिकानंद है या फिर सभी, कौन सी रचना ग्वाल कवि की है? तो ग्वाल कवि की रचना रसिकानंद भी है, यानी कि सभी लगा दो दोस्तों, डी नंबर आपका लगा दो, सभी हैं, रसिकानंद भी है ना, यमुना लहरी भी इनकी रचना है। दयाबाई और सहजोबाई किसकी शिष्या थी? अच्छा क्वेश्चन, दयाबाई और सहजोबाई किसकी शिष्या थी बताइए? शिवदयाल की थी, चरणदास, सूरदास या फिर तुलसीदास की थी? दयाबाई और सहजोबाई ये शिष्या किसकी थी दोस्तों? 76 नंबर के क्वेश्चन में लाइक नहीं रुकना चाहिए, शेयर भी नहीं रुकना चाहिए, सभी लोग शेयर करेंगे अपने साथियों को, मित्रों को। दोस्तों ये रोज रात्रि 9 बजे सेशन होता है, आप लोगों के लिए विशेष सेशन चलाया जाता है इसके लिए। तो दयाबाई और सहजोबाई किसकी शिष्या थी? सभी को पता है और आपको पता है, बताया है 76 में, कौन कौन बता रहे हैं? नीतू जी, रुद्र जी कि सर दयाबाई और सहजोबाई ये शिष्या थी किसकी? चरणदास की, यानी आपका जो बी नंबर है चरणदास बिल्कुल सही है। कयामत नामा किसने लिखा? कयामत नामा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कयामत नामा की रचनाकार कौन है? 77 नंबर के क्वेश्चन में, 77 का उत्तर वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। कयामत, आपको बताया जब कयामत आती है तो बोले सर प्राण बचाने दौड़ते हैं लोग, कयामत, बोले कयामत आ गई है, प्राण बचाने दौड़ते प्राण, तो ये कयामत नामा के रचनाकार कौन हो जाएंगे? सुनैना जी बताइए, प्रमांशु जी, बोले सर जब कयामत आती है तो लोग प्राण बचाने दौड़ते हैं, तो ये प्राणनाथ की रचना है, प्राणनाथ ने लिखा है। ठीक है, बिल्कुल सही। आनंद जी, स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक कौन है? स्वसुखी शाखा यानी 78 नंबर का क्वेश्चन है, ये स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और मैंने ट्रिक भी आपको बताई है कई बार। स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक जगजीवन राम है, बाबरी साहब हैं, रामचरणदास हैं या फिर दरिया साहब हैं? तो आपका उत्तर जा रहा है कि सर यहां पर स्वसुखी शाखा के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, है ना, मैंने बताया है, बताइए क्या हो जाएगा, बताइए। लाली देवी जी, सरिता जी, सरबजोत, निकिता जी, बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर राम के चरणों में चले जाओ, स्वसुखी हो जाओगे, स्वयं सुखी हो जाओगे राम के चरण में। देखो जगजीवन बता रहे हैं कुछ लोग। 78 नंबर के क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि उत्तर बताइए, आपने बताया शी, राम के चरणों में चले जाओ स्वसुखी हो जाओगे। ठीक है, जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रत भूषण बिनुना ब्राजई कविता बनिता मित्त, छंद के कवि कौन है, ये पंक्ति किसकी है? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, बहुत अच्छे से पढ़ना, रिवीजन भी करते जाना दोस्तों, एक प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा, ये जो अपना क्रमबद्ध टॉपिक वाइज अध्ययन चल रहा है ना, इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा।
यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत ये पंक्ति बतानी है, देव की है, केशवदास भिकारीदास या फिर रसलीन की पंक्ति है। 79 नंबर के क्वेश्चन में ये आपको चयन करना है और 79 का उत्तर जा रहा कि सर ये पंक्ति मानी जाती है केशवदास, 1555 में जन्म हुआ था, बी नंबर सही है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत ये पंक्ति केशवदास की मानी जाती है, ठीक है, केशवदास को याद रख लेना। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। कवित्र रत्नाकर किसने लिखा, कवित्र रत्नाकर की रचनाकार कौन है दोस्तों, कवित्र रत्नाकर यानी कि 80 नंबर का क्वेश्चन है। कवित्र रत्नाकर पद्माकर है, सेनापति, रसलीन या फिर बोधा, कवित्र रत्नाकर की रचनाकार कौन है 80 नंबर के क्वेश्चन में, शेयर कर देना प्रमांशु जी श्रेया जी। 80 का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आपने, मैंने कई बार बताया कि रतन यहां पर आया रतन और बोले रतन तो हमारी सेना है, सेना तो हमारी रतन है, रतन तो सेनापति आपको याद कर लेना दोस्तों। रीति काल में प्रकृति वर्णन के लिए जाने जाते हैं, प्रकृति चित्रण के लिए आपका बी नंबर बिल्कुल सही। इसके नामा, इसके में नाम क्या है, इसके में नाम क्या पड़ गया, इसके में नाम क्या पड़ गया बताओ, 81 नंबर का क्वेश्चन है। इसके में नाम पड़ गया घनानंद, बोधा या फिर आलम, तो आपका 81 नंबर में। शेयर कर देना दोस्तों जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ये वाला जो ऐप है वो सभी साथी डाउनलोड कर लेना। इश्क नामा ये किसने लिखा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कि इश्क में नाम पड़ गया बोधा, बोधा तो सी नंबर आपका सही है। किस शाखा के अंतर्गत पति पत्नी को प्रश्रय दिया जाता है दोस्तों बताओ, पति पत्नी को दिया जाता है तत्सुखी, स्वसुखी, सखी संप्रदाय या फिर रसिक संप्रदाय। 82 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए पति पत्नी को दोस्तों प्रश्रय दिया जाता है वो शाखा कौन सी है, वो शाखा बताना है। हैप्पी जी बताइए, नीलम जी, और आपका उत्तर चला गया कि सर वो शाखा है स्वसुखी संप्रदाय, है ना। रामचरण दास दोस्तों इसके क्या है, प्रवर्तक माने जाते हैं, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि यदि प्रबंध काव्य एक वन स्थली है तो मुक्तक काव्य गुलदस्ता एक कथन किसका है, यदि प्रबंध काव्य एक वन स्थली है तो मुक्तक काव्य गुलदस्ता एक कथन किसका है, शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या फिर मिश्र बिंदु, यानी 83 नंबर के क्वेश्चन में यदि प्रबंध काव्य एक वन स्थली है तो मुक्तक काव्य गुलदस्ता एक कथन किसका है, 83 का उत्तर बताना, वीडियो को लाइक भी कर देना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, IMP क्वेश्चन पूछा गया है, यदि प्रबंध काव्य एक वन स्थली है और सभी लोग बता रहे हैं कि सर एक कथन है शुक्ल जी का, रामचंद्र शुक्ल का, ये नंबर आपका राइट आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रीतिकाल के किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है, 84 में किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है, पूनम जी, अनीता जी, सभी लोग बताइए, रजनी जी, रीतिकाल के किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है, 84 में, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। और आपका उत्तर चला गया कि सर साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है किसको, घनानंद को, ये आपका सी नंबर बिल्कुल सही है, सी नंबर। बोधा का वास्तविक नाम बताइए, बोधा का वास्तविक नाम क्या था और ये नाम उन्होंने किससे है दोस्तों, किसने दिया था उनको ये नाम, ये भी बता देना। बोधा का वास्तविक नाम सभी लोग बताएंगे और ये नाम दिया किसने है ये भी आपको बताना है 85 नंबर के क्वेश्चन में। सभी लोग बताएंगे बोधा का वास्तविक नाम क्या है, बुद्ध, बुद्ध देव, बुद्धि राम या फिर बुद्धि सेन बताएं, चयन करें दोस्तों। और आपका उत्तर है कि सर इनका वास्तविक नाम था बुद्धि सेन, इनको नाम दिया था बोधा किसने, पन्ना नरेश, किसने दिया था, कौन बता रहा सही आंसर बताइए, किसी को नहीं पता, बुद्धि सेन इनका नाम था दोस्तों, और इनको बुद्धि सेन नाम किसने दिया था, किसी को नहीं पता, जल्दी से बताइए फटाक से। उसके बाद बिहारी सत्सई में कितने दोहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों। खेत सेन है, मोहित जी ने बताया, पन्ना नरेश खेत सेन है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बिहारी सत्सई में कितने दोहे हैं, कितने दोहे, 700, 713, 720 या फिर 723। अगर इस प्रकार की प्रतिक्रिया आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या नंबर लगाओगे, क्या सही लगाओगे,
तो चयन करिए जल्दी से। बिहारी सत्य में कितने दोहे हैं? उत्तर है 713 दोहे। बी नंबर आपका राइट आंसर है दोस्तों, 713 दोहे हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब यहां पर करनेश की रचना नहीं है, करनेश श्रृंगार, कर्णाभरण, श्रुति भूषण या फिर भूभूषण, नया कवि दोस्तों बताइए। चयन करिए फटाफट से। और हमारे जितने भी साथी हैं दोस्तों जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, सभी साथी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इतना बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों आपको चयन करना है और आपका उत्तर यहां पर 87 नंबर के क्वेश्चन में जा रहा है। देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। करनेश की रचना कौन सी नहीं है? तो आपका उत्तर है कि सर कर्णाभरण नहीं है, बी नंबर कर्णाभरण। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट देखो, बिहारी किस धारा के कवि हैं? बिहारी किस धारा के कवि हैं सभी लोग बताइए। बिहारी किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध काव्य धारा के, रीति मुक्त धारा के, रीति बद्ध या फिर स्वच्छंद। बिहारी किस धारा के कवि हैं? सभी को पता है, लगभग सभी लोग सही बताएंगे कि सर बिहारी के बारे में पूछ रहे हो, यानी कि आपका बिल्कुल सही आंसर जा रहा है कि सर बिहारी जो हैं ये माने जाते हैं रीति सिद्ध काव्य धारा के। ये नंबर चला गया, बहुत बढ़िया। नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना कौन सी नहीं है? बहुत बढ़िया, 89 नंबर में। नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना अनुराग रत्न, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ रत्न या फिर छत्र प्रकाश। 89 नंबर के क्वेश्चन में बताना है नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना कौन सी नहीं है। सोनू के एम जी बताइए, राजीव जी कौन सी नहीं? अनुराग रत्न नहीं है, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ रत्न, नवरत्न या फिर छत्र प्रकाश। चयन करिए विश्वास मलिक जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर कर दिया। 89 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर जा रहा है कि नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है, तो वो रचना नहीं है छत्र प्रकाश, यानी कि आपका जो डी नंबर है छत्र प्रकाश राइट आंसर है। ठीक है, घनानंद की कृति कौन सी नहीं है? घनानंद की कृति बताइए, सुजान हित, प्रेम सरोवर, इश्कनामा या फिर इश्कलता। घनानंद की कौन सी कृति नहीं है? राधिका जी, मनीषा जी शेयर कर दो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो एक बार। ये सेशन रोज रात्रि 9 बजे होता है दोस्तों, और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपन यहाँ पर अभ्यास करते हैं, टॉपिक वाइज अध्ययन चलता है। जिनको भी एडमिशन लेना है देर ना करें, जिनको भी नोट्स मंगवाना वो नोट्स भी मंगवा सकते हैं। यहां पर आपका उत्तर है कि सर घनानंद की कृति अगर आपने पूछी है 90 नंबर के क्वेश्चन में, तो ये इश्कनामा नहीं है, इश्कनामा बोधा की है। सी नंबर आपका सही है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। यहां पर आते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिहारी सत्सई में किस भाषा का प्रयोग किया गया? बिहारी सत्सई किस भाषा में लिखा गया? अवधि में, ब्रज, बुंदेली या फिर मगही में। बिहारी सत्सई जिसमें 713 दोहे हैं, किस भाषा में लिखा गया? लाइक करना है जल्दी से। 91 नंबर का क्वेश्चन है और 91 में आपका उत्तर है कि सर ब्रज भाषा में लिखा गया, बी नंबर ब्रज आपका सही है। पश्चिमी हिंदी की ये बोली मानी जाती है ब्रज, ठीक है। और आपको पता है कि सर जो है पशुपालन की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ा था ब्रज, और ब्रज में बोली जाने वाली भाषा कहलाई ब्रज भाषा, ठीक है। रीतिकालीन सूक्तिकार कौन है? रीतिकालीन सूक्तिकार बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 92 नंबर का क्वेश्चन है। विनोद जी, दिल से हज जी, दोस्तों दिल से लाइक करें, इतनी अच्छी प्रैक्टिस, बढ़िया दोस्तों। जहां आपके छोटे छोटे नवीन नवीन प्रश्न कभी कभी गलत होते थे, अब प्रैक्टिस आपको इतनी बढ़िया मिल रही है, तो आप लोग इसी प्रकार से बने रहना है, रात्रि 9 बजे अध्ययन करना है। रीतिकालीन सूक्तिकार हैं तो कौन है? 92 नंबर के क्वेश्चन में, और आपका उत्तर है कि सर वो है रीतिकालीन सूक्तिकार की बात करें तो वो बृंद कवि है। बृंद कवि प्रेम 25 इनकी रचना है ना, प्रेम 25 भी है, ये आपका नयन 25 भी इनकी रचना है, तो आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है। नवरस तरंग नामक ग्रंथ की रचनाकार, बहुत बढ़िया। नवरस तरंग एक इसकी रचना है, विनोद जी बताइए, अनिल तिवारी जी, प्रीति जी, विश्वास मलिक, अनुज कुमार जी, नवरस तरंग की रचनाकार कौन है? 93 नंबर का क्वेश्चन है, 93 नंबर के क्वेश्चन में बताना है, बताइए कौन बता रहा है सबसे पहले? कार्तिक जी, तो कई लोग तो बोलते हैं कि सर हम नवरसों की तरंग लेने में बहुत प्रवीण हैं,
नवरस की तरंग लेने में क्या है, प्रवीण, प्रवीण है, तो प्रवीण यानी कि दोस्तों ये बैनी प्रवीण की रचना है। नवरस की तरंग लेने में क्या है, प्रवीण, प्रवीण है, तो प्रवीण लगा दो, सी नंबर सही है। नवरस तरंग की रचनाकार बैनी प्रवीण है। देव का पूरा नाम पूछ लिया गया 94 में, देव का पूरा नाम क्या है, देवमणि, देवदत्त, देवी दयाल, दयानाथ, देव का पूरा नाम बताइए, देव, देव का बताना है। भाव विलास, भवानी विलास, ये रचनाएं हैं दोस्तों देव कवि की। और देव का पूरा नाम बताना है, राइट आंसर चला गया कि सर देवदत्त इनका पूरा नाम था, ठीक है। देव माया प्रपंच के रचनाकार कौन है, देव माया प्रपंच, देव माया प्रपंच के रचनाकार, बहुत बढ़िया। दीक्षा जी चयन करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, 95 नंबर का क्वेश्चन है, देव माया प्रपंच, तो देव माया से आप लोग तो समझ ही जाओगे कि सर देव आया यहां पर, तो आप लोग देव लगाओगे पक्का। तो देव माया प्रपंच के जो रचनाकार है वो देव कवि हैं, ये नंबर सही है। शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का वर्णन है, अब शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है, अलंकार ग्रंथ है दोस्तों, तो शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, अलंकार ग्रंथ है। और 105 अलंकारों का, कितने अलंकारों का वर्णन है इसमें, 105 अलंकारों का वर्णन है शिवराज भूषण में, ठीक है। और ये भूषण की रचना है, भूषण की, भूषण याद कर लेना इनका, भूषण दोस्तों इनका वास्तविक नाम घनश्याम था, और इनका भूषण जो नाम दिया था वो नाम दिया था सोलंकी राजा रुद्र ने, ठीक है। काव्य निर्णय की रचनाकार कौन है, 97 नंबर का क्वेश्चन है, शेयर कर देना दोस्तों अगर ये सेशन आपको मन भावन लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है, और आपको लगता है कि हाँ बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस होती है, तो आप लोग बिल्कुल भी चूकना नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों शेयर करना है, एक अच्छा सेशन है। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब कर ले सभी साथी, बेल आइकन को दबा दें ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। काव्य निर्णय की रचनाकार और काव्य का निर्णय बोले सर भिखारी, भिखारी दास है ना, आपका उत्तर एसी नंबर, काव्य का निर्णय लिया और भिखारी बन गए, ठीक है, तो आपका एसी नंबर सही है। गिरधर कविराय किस छंद का प्रयोग करते हैं, गिरधर कविराय किस छंद का प्रयोग करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ छप्पाई, कवित्त सवैया, कुंडलिया या फिर चौपाई, गिरधर कविराय बताना अर्चना जी, गिरधर कविराय किस छंद का प्रयोग करते हैं दोस्तों, एक अच्छा क्वेश्चन, सभी साथी बताएंगे, शेयर भी कर देना दोस्तों, इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 98 नंबर के क्वेश्चन में, और 98 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है कि सर गिरधर कविराय की बात करते हो तो ये कुंडलिया छंद, कुंडलिया छंद, बहुत बढ़िया, इसी नंबर कुंडलिया छंद। व्यंग्यार्थ कौमोदी के रचनाकार कौन है, व्यंग्यार्थ कौमोदी के रचनाकार प्रताप शाही, भिखारीदास, केशव या फिर देव हैं, व्यंग्यार्थ कौमोदी के रचनाकार कौन है, 99 नंबर का क्वेश्चन है। राजेश जी, सपना जी, शिव कुमार जी, दीक्षा जी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना साथियों। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर में जाके सर्च करो सेल्फ स्टडी क्लासेस, पूरा सर्च कर लेना है ना। और जिनको भी एडमिशन लेना है टीजीटी पीजीटी वाले कोर्स में, मात्र 1500 रुपए में ले सकते हैं, जिसमें रिकॉर्डेड भी पूरा कोर्स है, ठीक है, जिसमें दोस्तों आपका लाइव क्लासें भी चलती हैं, ट्रिकी वीडियो है, और हर दिन टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो व्यंग्यार्थ कौमोदी बोले सर व्यंग का बड़ा प्रताप होता है, व्यंग का क्या होता है, प्रताप, तो ये प्रताप शाही की रचना है, यानी कि आपका ये जो ए नंबर है प्रताप शाही बिल्कुल सही है, व्यंग का प्रताप होता है ना। कौन मतिराम की रचना नहीं है, 100 नंबर का क्वेश्चन है, मतिराम की रचना कौन सी नहीं है, मतिराम बताना है दोस्तों, मतिराम की रचना कौन सी नहीं है, इतना अच्छा क्वेश्चन, इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो दोस्तों, सभी साथी बताना यहां पर कौन मतिराम की कृति नहीं है। और जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के विस्तृत नोट्स मंगवाना दोस्तों, ये विस्तृत नोट्स भी आप मंगवा सकते हैं, ये वाले विस्तृत नोट्स हैं, 2 पार्ट में ये विस्तृत नोट्स हैं, है ना, बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं दोस्तों, ये इतने बढ़िया नोट्स आप लोगों के लिए बनाए गए इस प्रकार से, ठीक है, बहुत ही बढ़िया नोट्स बनाए गए हैं, ये 599 वाले नोट्स हैं, ये विस्तृत नोट्स 2 पार्ट में है, 2 पार्ट में है, 1 पार्ट में पद्य साहित्य, 1 में गद्य साहित्य, क्रमबद्ध टॉपिक है, बंपर प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, पिछले पेपरों में आए हुए तथ्यों को इसमें समावेश किया गया है, आए हुए प्रश्नों को समावेश किया गया है, है ना। तो इसी प्रकार से ये नोट्स भी अपने दोस्तों हिंदी साहित्य का गद्य साहित्य और पद्य साहित्य 2 पार्ट में अपने आप घर मंगवा सकते हो, ठीक है। और ये 599 की टेस्ट सीरीज है जिसमें 3000 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछा गया कि सर ललित ललाम इनकी रचना है, रसराज भी इनकी रचना है, 100 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर है रसमंजरी, ये रसमंजरी रचना इनकी नहीं है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है।
बहुत बढ़िया आंसर सभी लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया। ये वाला जो ऐप है सेल्फ स्टडी क्लासेस का, ये वाला ऐप आपको डाउनलोड करना है पूनम जी, ठीक है, और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर देना है ना। और यहां पर देखते हैं, यहां पर दोस्तों ये नोट्स भी आप मंगवा सकते हैं, ठीक है सभी साथी। और यहां पर मास्टर कैडर वाले साथी जिनको भी 30 मॉडल पेपर लेना, मात्र 599 में ये मॉडल पेपर मंगवा सकते, सॉरी ये मॉडल पेपर दोस्तों आप ऐप में परचेस कर सकते हो, जिसमें टेस्ट रहेंगे, 4500 क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही पीडीएफ भी आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगी मास्टर कैडर वाले साथियों को, ठीक है। और दोस्तों ये टीजीटी पीजीटी वाले जिनको भी एडमिशन लेना है, सभी लोग दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। एक बढ़िया अध्ययन दोस्तों आपको यहां पर मिलने वाला है, मैं ना मधु जी, अतुल जी, सुमन जी, राजीव, मनीषा जी, शोभा जी, नीतू जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, इतने अच्छे क्वेश्चन आप लोग दोस्तों पढ़ते हो इतने बढ़िया तरीके से दोस्तों। तो ये न्यू पैटर्न पर आधारित, जिनको भी एडमिशन लेना सभी साथी एडमिशन लें। वीडियो को लाइक शेयर करें, सुनील कुमार जी, अनुका जी, पूनम जी, ठीक है, सुनील कुमार जी, ठीक है, और अध्ययन करते रहें, ठीक है, निर्मला जी, ममता जी, वेरी गुड, ठीक है, संदीप जी, तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और ये रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है दोस्तों, है ना, ये रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है, आपको निरंतर अध्ययन करना है, निरंतर पढ़ना है। इतना बढ़िया सेशन आप लोगों के लिए रोज लाया जाता है, और इतने अच्छे सेशन से आप सभी साथी जरूर जुड़े और इस सेशन के दोस्तों अध्ययन करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी पकड़ आपकी हिंदी साहित्य में बनती जाएगी, ठीक है। अर्पिता जी, राजेश जी, है ना, सदाब अंसारी जी, सोनू जी, लाली देवी जी, श्वेता जी, एसपी जी, सृष्टि जी, रविशंकर धर्म जी, मनीषा गिल जी, बहुत बढ़िया, वीरेंद्र जी, अनुज जी, राज जी, स्वयं जी, सुमन जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, कुंदन जी, बहुत बढ़िया, रवि जी, शिव जी, दीक्षा जी, मनीषा जी, तनु जी, सभी